अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं एन अहमद फूड एंड व्लॉग्स। आज मैं आपको कॉफ़ी बनाने का बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा, जिसको बनाने के लिए आपको किसी मशीन या किसी बीटर की ज़रूरत नहीं है। आप इन तमाम चीज़ों के बगैर इसको घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो कॉफ़ी के लिए बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, सबसे पहले हम लेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी ये मैंने ग्राइंड की हुई है, फुल बारीक मैंने इसको किया हुआ है, और ये इसलिए किया है कि वो बीटने में आसानी हो जाती है। एक टीस्पून हमने लिया है कॉफ़ी का। उसके बाद चीनी को भी मैंने ग्राइंड किया हुआ है, दो टीस्पून लेंगे हम चीनी। ग्राइंड मैंने दोनों चीज़ों का इसीलिए किया हुआ है कि पीटने में आसानी हो जाती है। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए एक चम्मच पानी, जो हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से बीट करेंगे। हम इसको इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफी और क्रीमी सा बन जाए। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आप इसको बीट करते हैं। अब आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह चेंज हो चुका है। ठीक है, अभी भी इसमें थिकनेस बहुत कम है, तो हम और ज़्यादा इसको बीटेंगे। अच्छे तरीके से इसको बीट करें। जी, तो अब आप देख सकते हैं पहले से ज़्यादा ठीक हो चुका है। अब थोड़ा सा और बीटेंगे हम इसको। इसको बीटना ही काम है जो बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने इसको उठाया हुआ, थोड़ा सा ज़ोर से बीटना पड़ता है। जी, तो अब हमारी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है। जी, तो अब हमने एक कप दूध लिया है। कैपोचिनो बनी है, यही ग्लोरिया जींस में आप जाएं तो 800 से 900 रुपए का कप मिलता है। यही चीज़ आप घर में बआसानी बना के मज़ा ले सकते हैं कैपोचिनो का। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।